तो जैसे कि आपने पॉइंट पार्ट टू के अंदर, जो कि हमारा मेथड वैलिडेशन का पार्ट टू था, जिसके अंदर हमने ये बात करी थी कि मेथड वैलिडेशन के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मेथड वैलिडेशन को अफेक्ट करते हैं, और जिसका मैंने टाइटल दिया था पॉइंट्स मस्ट बी रिमेंबर। तो अब हम पार्ट थ्री के अंदर ये बात करेंगे कि मेथड वैलिडेशन के कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो पार्ट थ्री, जिस पार्ट में अभी हम इस पॉइंट्स के अंदर ये बात करेंगे, तो हमने इस पार्ट में, मतलब पार्ट थ्री में हमने तीन पॉइंट्स लिए हैं, वो है स्पेसिफिसिटी, लीनियरिटी और रेंज। तो चलिए बात करते हैं स्पेसिफिसिटी, लीनियरिटी और रेंज के बारे में कि ये मेथड वैलिडेशन के लिए क्यों जरूरी है और ये किस तरीके से किसी मेथड को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मेथड वैलिडेशन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके जितने भी पैरामीटर्स होते हैं जो मैंने अभी आपको बताए, तो बात करते हैं सबसे पहले पैरामीटर की, और वो पहला पैरामीटर है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी देखिए, ये पैरामीटर जो होता है, ये कोई भी मेथड वैलिडेशन करने से पहले ये पैरामीटर यूज किया जाता है, और वो इसलिए यूज किया जाता है कि आपकी जो ड्रग है पहले तो वो प्रॉपर है कि नहीं है, मतलब आपकी जो मेथड है वो एक तो स्पेसिफिक होनी चाहिए, स्पेसिफिक मतलब उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए ही होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब है कि आपकी जो सबसे, इसके अंदर दो चीजें काम की जाती हैं, एक तो ये कि जो आपकी मेथड जो आपने डेवलप करी है वो उस पर्टिकुलर ड्रग के लिए ही हो, और वो ड्रग जो है, जो जिस ड्रग को आप यूज कर रहे हो, मतलब जिस ड्रग को आप एनालाइज कर रहे हो, वो ड्रग वही है कि नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं पैरासिटामोल मेरी ड्रग है, और मैं इंडस्ट्री से, किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से पैरासिटामोल एज ए एपीआई फॉर्म में मंगवा रहा हूँ, ठीक है, वो प्योर फॉर्म में मंगवा रहा हूँ, तो वो जो पैरासिटामोल का जो पाउडर है वो वाइट और क्रिस्टलाइज फॉर्म में आएगा, और अधिकतर ड्रग्स, मतलब ज्यादातर ड्रग्स जो होती है 90%, वो वाइट और क्रिस्टलाइज फॉर्म में ही होती हैं। तो मुझे ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि वो जो पाउडर आया है वो पैरासिटामोल है कि नहीं है, उसी के बाद ही मैं मेथड वैलिडेशन करना स्टार्ट करूंगा। तो उसके लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट लगाऊंगा, जिसे कहा जाता है स्पेसिफिसिटी टेस्ट, जिससे हम ये चेक करते हैं कि जो ड्रग हमने मंगाई है वो वही ड्रग है, कोई और ड्रग नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि मैंने मंगाई पैरासिटामोल और किसी ने कोई दूसरी ड्रग भेज दी और उनका फिजिकल अपीयरेंस सेम हुआ, उस वजह से मैं पैरासिटामोल की जगह वही ड्रग यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे उस ड्रग को चेक करना पड़ेगा कि जो ड्रग मैंने मंगवाई है, जिस ड्रग की मैं मेथड डेवलप कर रहा हूं, वो ड्रग वो है कि नहीं है। तो मैं कौन कौन से टेस्ट लगा सकता हूं? देखिए, सबसे पहले मैं सॉल्युबिलिटी टेस्ट लगा सकता हूं उसका, क्योंकि हर ड्रग का सॉल्युबिलिटी नेचर भी अलग अलग होता है, तो मैं उसका सॉल्युबिलिटी टेस्ट लगा सकता हूं। उसके अलावा मैं उसका यूवी एनालिसिस कर सकता हूं। यूवी में जैसे हर ड्रग का एक स्पेसिफिक लैम्डा मैक्स होता है, तो मैं उसका यूवी लगा सकता हूं, और वो यूवी का ग्राफ मैं एज ए प्रूफ के तौर पर रख सकता हूं, तो मैं यूवी कर सकता हूं उसकी। उसका एफटीआईआर, सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है किसी भी ड्रग के स्पेसिफिसिटी टेस्ट में या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में, वो होता है एफटीआईआर। तो मैं उसकी एफटीआईआर निकाल सकता हूं, और एफटीआईआर, उसका जो भी एफटीआईआर ग्राफ आएगा, उसका उसी ग्राफ का मैं उसके स्टैंडर्ड ग्राफ के साथ कंपेयर करके देख सकता हूं कि ये ड्रग वही ड्रग है जो मैंने मंगवाई है, तो मैं उसका एफटीआईआर निकाल सकता हूं। उसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर ड्रग का मेल्टिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है, तो मैं उसका मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन कर सकता हूं। साथ ही साथ अगर मेरे पास डीएससी अवेलेबल है तो मैं उसका डीएससी भी लगा सकता हूं, तो डीएससी से भी मुझे मेल्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाएगा और बिल्कुल एक्यूरेट होगा, क्योंकि डीएससी में भी मुझे ग्राफ मिलेगा, तो वो भी ऐसे प्रूफ में अपने, जो भी मैं जब मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, मेरी मेथड वैलिडेट हो जाएगी, तो उसमें मैं अपनी जो थीसिस बनेगी उस थीसिस में मैं ये इसके ग्राफ को यूज कर सकता हूं। तो यूवी का ग्राफ यूज कर सकता हूं, एफटीआईआर का और डीएससी, इन तीनों ग्राफ को मैं एज ए प्रूफ यूज कर सकता हूं, जिससे मैं बताऊंगा कि जो ड्रग मैंने मंगवाई थी ये वही ड्रग है, और मेरी मेथड जो है बेसिकली वो उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक ड्रग के लिए ही मैंने डेवलप करी है। तो सबसे पहले आपको वैलिडेशन स्टार्ट करने से पहले उसका स्पेसिफिसिटी टेस्ट लगाना होता है, जिसमें मुझे ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो ड्रग मैंने मंगवाई है वो वही ड्रग है, कोई और ड्रग नहीं है। अब हम इसके दूसरे टॉपिक पर बात, दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिसिटी का मतलब ये होता है कि हमको ड्रग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, साथ ही साथ हम स्पेसिफिसिटी वाला जो पैरामीटर है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि जो हमारी ड्रग है उसके अंदर कोई इंप्यूरिटी तो प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारी चेकिंग के लिए बेसिकली हम स्पेसिफिसिटी वाला पैरामीटर यूज करते हैं, जिसमें हम ड्रग का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, साथ ही साथ हम उसमें ये चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई इंप्यूरिटी तो प्रेजेंट नहीं है। हेलो,
और वेलकम स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे इसके मेन जो अगला पॉइंट है हमारा वो है लीनियरिटी और रेंज। तो सिंपल है, तो मैं आपको डायरेक्टली मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन निकाली है और लीनियरिटी डिटरमाइन करी है, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक चीज़ और कि आप इस वीडियो को अगर केवल लीनियरिटी और रेंज कैसे निकाली जाती है वही जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग में मैं आपको पूरा समझा दूंगा, बट अगर आप ये देखना चाहते हैं कि लीनियरिटी और रेंज क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है और इसका क्या यूज है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बट अगर आप केवल लीनियरिटी और रेंज कैसे डिटरमाइन की जाती है ये पता लगाना चाहते हैं तो मैं आपको स्टार्टिंग में पूरा समझा देता हूं कि लीनियरिटी और रेंज कैसे निकाली जाती है एक पर्टिकुलर मेथड की। देखिए लीनियरिटी और रेंज, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लीनियरिटी की, उसके बाद ही हम आ जाएंगे रेंज पे। लीनियरिटी का मतलब होता है कि जो मेथड हमने डेवलप करी है वो कितनी लीनियर है। लीनियर का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे सॉल्यूशन की, वैसे वैसे जो एरिया आने चाहिए ना वो भी बढ़ते रहने चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर जो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाए हैं वो है 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 माइक्रोग्राम पर एमएल के सॉल्यूशन बनाए हैं। ठीक है, डाइल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं उसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, आई बटन में मैं उसका लिंक सेंड कर देता हूं, तो वो देख के आप ये समझ सकते हैं कि डाइल्यूशन कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, अब डाइल्यूशन जो है मैंने प्रिपेयर कर लिए हैं, डाइल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद उनको मैं रन करता हूं अपने एचपीएलसी पे। तो 50 माइक्रोग्राम पर एमएल का मैं 3 बार रन करता हूं, उसके 3 एरिया मेरे पास आ जाते हैं। 100 का मैं रन करता हूं, उसके भी 3 एरिया मेरे पास आ जाते हैं। वैसे ही 150, 200, 250, 300, 350 और 400, इन चारों के, इन सभी सॉल्यूशंस का मैं 3-3 इंजेक्शन लगाता हूं, तीनों एरिया आ जाते हैं और मैं निकालता हूं इन तीनों का मीन। तो जब मैं इन तीनों का मीन निकालता हूं तो मेरे पास इन तीनों का मीन निकाला तो ये आ गया, इन तीनों का मीन निकाला ये आ गया। तो तीनों का मीन मैंने निकाला तो सभी के मेरे पास अब मीन आ चुके हैं। ठीक है, अब ये मीन जब आ गए तो अब मैं साथ ही साथ में इनका स्टैंडर्ड डेविएशन और आरएसडी भी कैलकुलेट करूंगा। स्टैंडर्ड डेविएशन और आरएसडी भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन और आरएसडी कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो पहले से बनाया हुआ है, तो वो वीडियो का लिंक मैं साइड में शेयर कर देता हूं, तो वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और आरएसडी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और उस वीडियो में मैंने ये भी समझाया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और आरएसडी क्यों इंपॉर्टेंट है मेथड वैलिडेशन के लिए और साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट सिस्टम सुटेबिलिटी के लिए भी, तो वो वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि आरएसडी और स्टैंडर्ड डेविएशन का इंपॉर्टेंस क्या है सिस्टम सुटेबिलिटी के अंदर। बट मैं एक चीज आपको बता दूं कि इन तीनों की जब हम आरएसडी निकालेंगे तो वो हमेशा 2 से कम आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 2 से कम आ रही है। तो अगर 2 से ज्यादा आती है मतलब हमारी जो हमारी सिस्टम है या हमारी कॉलम है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और वो एनालिसिस के लिए प्रॉपर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मीन निकाल लिया है। अब मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यूज आई है मीन की और जो माइक्रोग्राम पर जो कंसंट्रेशन है मेरे पास, जो डाइल्यूशन की कंसंट्रेशन है, इन दोनों के बीच में, मतलब ये इसके और मीन, इन दोनों के बीच में मैं डिराइव करता हूं स्टैंडर्ड कर्व। तो स्टैंडर्ड कर्व डिराइव करूंगा, तो स्टैंडर्ड कर्व डिराइव करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड कर्व डिराइव करूंगा कंसंट्रेशन और मीन के बीच में। स्टैंडर्ड कर्व कैसे डिराइव किया जाता है और स्टैंडर्ड कर्व के डिराइव कैसे किया जाता है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड इक्वेशन और आर स्क्वायर की वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है उसके लिए भी मैंने पहले से एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी का लिंक मैं साइड में शेयर कर रहा हूं, तो वहां देख के आप ये समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड कर्व क्यों और कैसे डिराइव किया जाता है। तो हम स्टैंडर्ड कर्व जैसे ही डिराइव करेंगे तो हमारे पास जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी वो आएगी आर स्क्वायर की वैल्यू और रिग्रेशन इक्वेशन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी वैल्यू हम वहां से डिराइव कर लेंगे। तो एम एस एक्सएल की हेल्प से ये वैल्यूज जो होती है वो डिराइव होती है और बहुत ही ईजी वे में होती है। तो उसके लिए मैंने पहले से, जैसे मैंने आपको बताया कि वीडियो मैंने बना रखा है, तो लीनियरिटी से हमको क्या पता चला, देखिए लीनियरिटी से हमको ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते आ रहे हैं वैसे वैसे अगर आप देखेंगे तो एरिया भी बढ़ते जा रहे हैं और यही होना चाहिए। तो कर्व जो हमको लीनियर कर्व मिलेगा वो ऐसा बढ़ता हुआ मिलना चाहिए, ऊपर की ओर जाता हुआ, तो वो जो होता है वो लीनियर कर्व होता है। इस वीडियो को जब आगे देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर कर्व कैसे होना चाहिए और अगर कर्व अगर नॉन लीनियर बन रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हो गई, अगर यहां पर ये प्रॉब्लम, अगर लीनियरिटी रेंज सही आ रही है और साथ ही साथ हमारा जो आरएसडी है वो भी 2 से नीचे आ रही है, मतलब हमारा लीनियरिटी टेस्ट पास हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ रेंज की। देखिए रेंज भी हमको यहाँ से निकल के आ रही है। रेंज का मतलब वो होता है कि वो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जहां पर हम ड्रग को बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको जो रेंज बताई है ड्रग की वो है 50 से 400 माइक्रोग्राम पर एमएल, तो मतलब इस रेंज में हम ड्रग को
आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वैसे 50 तो बहुत ज्यादा हो जाती है, रेंज ज्यादा जहां तक होती है वो 2 से स्टार्ट होती है, तो अगर रेंज 2 से लेकर स्टार्ट होगी और वो हो सकता है कि 50 तक चली जाए, तो इस डाइल्यूशन इस पर्टिकुलर रेंज पे हम डाइल्यूशन बनाते हैं। मतलब रेंज का मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर रेंज के बीच में आप अगर कंसंट्रेशन बनाएंगे, डाइल्यूशन बनाएंगे, तो आपको जो कर्व मिलेगा वो लीनियर मिलेगा। रेंज का मतलब ये होता है। तो यहां पर जो रेंज मैंने डिसाइड करी है वो है 50 से लेकर 400 तक, ठीक है। मतलब 50 से लेकर 400 तक मैंने जब रेंज ली, तो जब मैंने ये मेथड अप्लाई करी, जिस मेथड का मैं वैलिडेशन कर रहा हूं, तो वो मुझे लीनियर रिजल्ट देती है। ये हो गई उस मेथड की रेंज। तो अलग अलग मेथड की अलग अलग रेंज होती है। किसी की रेंज 200 से लेकर 2 से लेकर 10 भी होती है, 5 से लेकर 25 भी होती है। तो रेंज का मतलब आप क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमको जब हम लीनियरिटी निकालते हैं, यानी हम लीनियर स्टैंडर्ड कर्व लीनियरिटी डिटरमाइन करते हैं, और उसकी हेल्प से जब स्टैंडर्ड कर्व डिटरमाइन करते हैं, तो रेंज अपने आप ही निकल के आ जाती है। अब हम मान लें कि अगर कर्व अभी कभी अब रेंज में कहाँ प्रॉब्लम आती है, रेंज का इंपोर्टेंस कहाँ है, ये भी मैं समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए इसकी जगह कोई और ड्रग होती और उसके डाइल्यूशन भी हम ऐसी 50 से लेकर 400 तक बनाते, और वहां पर कर्व नॉन लीनियर आ जाता, कर्व नॉन लीनियर आता मतलब ऐसे बढ़ता हुआ ना आता, यहाँ पर एरिया में वेरिएशन हो जाता, मतलब ये एरिया इसका डबल हो रहा है और फिर इसका डबल हो रहा है, तो यहाँ पर एरिया में डिफरेंस आ जाता, ठीक है। तो अगर देखिए 85 है तो 32 हो गया, मतलब 50 का 100 हुआ तो 8 का डायरेक्ट 15 हो गया, मतलब एरिया डबल हो गया है। 100 का जब 200 होगा तो देखिए यहाँ पर 32 हो रहा है, मतलब एरिया डबल होते जा रहे हैं। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एरिया भी डबल होते जा रहे हैं। तो ये प्रॉपर लीनियर है, कंसंट्रेशन वैसे बढ़ा रहे हैं वैसे एरिया भी बढ़ते जा रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड लीनियर। बट अगर एरिया मान लीजिए अगर यहाँ 15 आता और 15 की जगह 32 ना होकर यहाँ पर आ जाता 50, मतलब एरिया एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये कर्व नॉन लीनियर हो जाता, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि हमको ये पता चलता है कि ये रेंज जो है वो प्रॉपर रेंज नहीं है, फिर हमको क्या करना पड़ता, रेंज को पीछे ले जाना पड़ता। समझ रहे कि अगर 200 पे एरिया लीनियर ना आगे नॉन लीनियर हो रहा है, मतलब 200 के आगे उसकी रेंज जा ही नहीं सकती है। अब आपको जितने भी डाइल्यूशन बनाने हैं वो 200 के नीचे नीचे बनाने हैं, क्योंकि वहां पर ये मेथड जो है वो लीनियरिटी शो कर रही है। उसके ऊपर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर आप जैसे ही चले जाएंगे वहां पर वो नॉन लीनियरिटी शो करेगी, और जो आपके एरिया है उनमें चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एरिया हमेशा ऐसे ही बढ़ने चाहिए कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे एरिया भी बढ़ने चाहिए। बट अगर एरिया के अंदर उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो रेंज है वो गलत है, आपको रेंज फिर से पीछे ले जानी पड़ेगी। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 1 से लेकर 100 तक हम जब करें तो रिजल्ट सही आए, लीनियर आए, बट जैसे ही हम 200 से 100 के बाद हम जब 150 पे चले जाएं तो एरिया चेंज हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर 100 तक जब हम कंसंट्रेशन डेवलप कर रहे हैं तो वहां पर तो हमारे एरिया लीनियर आ रहे हैं, बट जैसे ही हम 100 के ऊपर जा रहे हैं तो हमारे एरिया लीनियर नहीं है। तो बहुत ईजी है, सिंपल है। अब हम आगे बात करते हैं कि ये क्या है, किस लिए लीनियरिटी और रेंज इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिए मेरे साथ। अब हम हमारे दूसरे और तीसरे पैरामीटर की बात करेंगे, और दूसरा और तीसरा पैरामीटर हम साथ में ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये साथ में ही जुड़े हुए हैं, और वो है लीनियरिटी और रेंज, या मैं कह सकता हूं रेंज और लीनियरिटी। ये दोनों पैरामीटर जो है बेसिकली वो एक दूसरे के काफी जुड़े हुए हैं, और इन दोनों को साथ में ही डिटरमाइन किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक ड्रग है और जिसकी मैं एक मेथड डेवलप कर रहा हूं एचपीएलसी की, और उसका मैं वैलिडेशन कर रहा हूं बेसिकली। तो यहां पर बेसिकली जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर सबसे पहले रेंज देखूंगा। तो रेंज का मतलब क्या है, देखिए रेंज का मतलब यह है कि आपके पास जो मेथड है बेसिकली उस मेथड के अंदर ड्रग की रेंज कितनी है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन रेंज कितनी है, इसको हम चेक करते हैं। तो देखिए यहां पर जैसे मैंने रेंज लिखी है 5 से 25 माइक्रोग्राम पर ml, ये रेंज हो गई। तो रेंज में ये देखा मैंने कि 5 से 25 माइक्रोग्राम पर ml पे जब मैं ड्रग का लीनियरिटी चेक करता हूं, या मैं उसका जो 5 से 25 माइक्रोग्राम पर ml का उसके सॉल्यूशन बनाता हूं 5, 10, 15, 20 और 25 ml तक के, तो उसके जो रिजल्ट्स आते हैं वो बिल्कुल लीनियर आते हैं। देखिए लीनियर का मतलब ये होता है कि रिजल्ट इस वे में आने चाहिए, कुछ इस टाइप से, ये जैसे 5, 10, 15, 20, 25 मैं लिख देता हूं यहां पर 5, 10, 15, 20 और 25। तो रिजल्ट जो है वो बढ़ते हुए आने चाहिए 5, 10, 15, 20, 25, मतलब ये लीनियर ग्राफ है, ये उसकी रेंज कहलाती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपको लीनियरिटी, सबसे पहले लीनियरिटी डिटरमाइन करनी हो, लीनियरिटी के बेसिस पे ही आप उसकी रेंज को डिटरमाइन कर लेंगे। तो लीनियरिटी के लिए आपको क्या करना है बेसिकली कि आपके पास 3 मेथड है, तो उसमें से मैं अभी एक मेथड का आपको बता रहा हूं कि एक मेथड की लीनियरिटी आपको कैसे डिटरमाइन करनी है। तो उसके लिए आपको करना है कि आपको उसकी कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाने हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है 5, 10, 15, 20 और 25 माइक्रोग्राम पर ml के सॉल्यूशन बनाए हैं, और इन पांचों
सॉल्यूशंस को मैंने तीन बार रन करा है। देखिए यहां पर मैंने तीन बार एचपीएलसी पे उसको रन करके देखा और फिर मैंने उसका निकाला मीन। तो इन तीन रन का मैंने जैसे ही उसका मीन निकाला है, ये केवल एक मेथड के लिए है। मैंने जैसे आपको बताया था कि मैंने तीन मेथड बनाई है, तो तीनों मेथड का फिर आपको बारी बारी से करना है। तो मैं अभी एक मेथड का कर रहा हूं, मतलब एक मेथड को मैं अप्लाई कर रहा हूं इसके अंदर। तो मैंने 5 माइक्रोग्राम पर एमएल का सॉल्यूशन बनाया, उसको तीन बार रन किया। 10 माइक्रोग्राम पर एमएल का सॉल्यूशन बनाया, उसको भी तीन बार रन किया। ऐसे 15, 20 और 25 सभी को मैं तीन तीन बार रन करूंगा और उसका निकालूंगा मैं मीन। देखिए यहां पर मैंने उसका मीन निकाला। उसके अलावा इन तीन रन को जब मैंने करा है, तो ये जो मैंने तीन रन करे उसके, मतलब एक ही सॉल्यूशन के, जो कि ये 5 माइक्रोग्राम पर एमएल का, जब मैंने उसको तीन बार रन किया, तो उसमें उसके जितने भी एरिया है, ये उसके तीन एरिया है, तो उसके अंदर कोई स्टैंडर्ड डेविएशन और आरएसडी ये भी मैं चेक करूंगा। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन और आरएसडी के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इनको कैसे डिटरमाइन किया जाता है और इनका क्या फॉर्मूला होता है। बट मैं आपको थोड़ा मोटे मोटे फॉर्म में बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन और आरएसडी का मतलब ये होता है कि आपका जो रिजल्ट आ रहे हैं बेसिकली उनमें ज्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए, मतलब उनके बीच में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे रिजल्ट आने चाहिए, जैसे 2, 2, 2, ये कोई डेविएशन नहीं है, बिल्कुल सेम रिजल्ट है। बट अगर आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आता है 2, 5, 10, तो यहां पर डेविएशन हो रहा है। ठीक है, मतलब जब आप एक सेम सॉल्यूशन का रन लगाएंगे तो उसका जो रिजल्ट्स होने चाहिए वो हमेशा सेम आने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पहले एक ही सॉल्यूशन के आपने तीन रन लगाए और तीनों के रिजल्ट अलग अलग आए, ये कहलाता है डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो लिमिट होती है वो होती है 2%। देखिए 2% उसकी लिमिट होती है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन और आरएसडी, ये दोनों के रिजल्ट जो होने चाहिए वो 2% से नीचे होने चाहिए, मतलब आपका जो एरिया आएगा उसके अंदर डेविएशन 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2% से ज्यादा डेविएशन हो रहा है तो वहीं पे आपकी मेथड फेल हो जाएगी और फिर आप उसको मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, वो वैलिडेट नहीं हो सकती है। तो हमेशा जब भी आप एक से ज्यादा बार जब भी रन लगाएं, तो उसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन और जो आरएसडी होना चाहिए वो 2% से नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर 2% से ज्यादा डेविएशन होता है तो वहीं पे मेथड फेल हो जाती है। तो मैं यहां पर लीनियरिटी निकाल रहा हूं कि मेरी जो मेथड है बेसिकली वो कितनी लीनियर है। तो जैसे जैसे मैं यहां पर जैसे जैसे मैं कंसंट्रेशन बढ़ाता जा रहा हूं, वैसे वैसे उसके एरिया भी बढ़ते हुए जाना चाहिए। मतलब यहां पर देखिए 5, 5 का जो एरिया आया तो 10 का एरिया इसका डबल होना चाहिए। ठीक है, 10 का जो एरिया आया तो 20 का एरिया 10 का डबल होना चाहिए, और 15 का जो एरिया आया तो 30 माइक्रोग्राम पर एमएल का जब मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा तो वो डबल होना चाहिए। तो यहां पर आपको लीनियरिटी देखनी है कि आपकी मेथड कितनी लीनियर है और उसके रिजल्ट कैसे लीनियर आने चाहिए। अगर रिजल्ट लीनियर नहीं आ रहे हैं, उसके अलावा एक चीज और कि यहां पर जब आप लीनियरिटी डिटरमाइन करेंगे, जब एक आप डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन बनाएंगे और उनका जब आपको एब्जॉर्प्शन मिलेगा, तो उस एरिया का की मदद से आपको स्टैंडर्ड कर्व भी प्लॉट करना है। देखिए स्टैंडर्ड कर्व एक अलग ही प्रोसेस होती है कि स्टैंडर्ड कर्व कैसे प्लॉट किया जाता है, उसके लिए मैं एक अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा कि आपको स्टैंडर्ड कर्व कैसे प्लॉट किया जाता है और एमएस एक्सेल के अंदर कैसे डाटा वैल्यू पुट की जाती है और इसे कर्व डिटरमाइन होता है। बट अभी अगर जिन जिन को स्टैंडर्ड कर्व की प्रोसेस पता है तो उनके लिए तो बहुत इजी है, बट अगर जिनको नहीं पता कि स्टैंडर्ड कर्व कैसे प्लॉट होता है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट अभी आप दिमाग में बस ये रखिए कि यहां पर आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन, मतलब 5, 10, 15, 20, 25 तक मतलब ये, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि आप 5, 10, 15, 20, 25 का सॉल्यूशन बनाएं, आप 1 से लेकर 5 तक का भी बना सकते हैं। यही चीज हम देख रहे हैं बेसिकली कि हमारी जो ड्रग है बेसिकली वो कितनी लीनियर है, मतलब जैसे जैसे हम उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं उसके रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से बढ़ने चाहिए। अगर रिजल्ट्स में जरा सा भी डेविएशन होता है, मतलब आपकी जो ड्रग है या आपकी जो मेथड है वो लीनियर नहीं है या उसकी रेंज ही वहां तक है। यहां पर देखिए रेंज का फंडा भी आ रहा है। देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि 5 से 25 तक मैंने जब इसकी वैल्यू पुट करी, ठीक है, तो यहां पर देखिए ग्राफ बढ़ रहा है, मतलब ये लीनियर है, मतलब आपकी मेथड जो है वो लीनियर है, मतलब यहां पर आपकी मेथड पास हो रही है। बट अगर मैं जब इधर 30 माइक्रोग्राम पर एमएल का सॉल्यूशन बनाता हूं तो उसका जो एरिया आता है वो कम आ जाता है। देखिए यूं ये अब आपका क्या हुआ, ग्राफ ऊपर की ओर ना बढ़ने की जगह नीचे की ओर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो मेथड है वो 25 माइक्रोग्राम पर एमएल तक लीनियर है और उसके बाद ये नॉन लीनियर है। तो यहां पर दो चीजें आपको पता चली कि आपकी जो मेथड है वो लीनियर तो है बट जब तक 25 माइक्रोग्राम पर एमएल तक,
25 माइक्रोग्राम पर एमएल कंसंट्रेशन हाईएस्ट कंसंट्रेशन है जहां पर आपकी मेथड लीनियर बनी रहेगी। इसका मतलब है कि आपकी जो मेथड है उसकी रेंज कितनी हुई, आपकी मेथड की रेंज हो गई 1 ml से 25 माइक्रोग्राम पर ml तक, ये उसकी रेंज है। कि एक माइक्रोग्राम पर ml से 25 माइक्रोग्राम पर ml का जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे और उसकी इसी कंसंट्रेशन की रेंज में हम 5 डिफरेंट डिफरेंट डाइल्यूशन बनाएंगे, मतलब आपको 1 से लेकर 25 के बीच में ही 5 डाइल्यूशन बनाने हैं, तो आपकी जो मेथड होगी वो लीनियर होगी। बट जैसे ही आप 25 माइक्रोग्राम पर ml के ऊपर चले जाएंगे तो वहां पर आपकी मेथड नॉन लीनियर हो जाएगी। तो यहां पर आपको दो चीजें पता चल गई कि आपकी मेथड लीनियर है बट 25 माइक्रोग्राम ml तक, और दूसरी बात आपकी मेथड की रेंज, आपकी मेथड की रेंज कितनी हुई 1 से 25 माइक्रोग्राम पर ml तक। इसमें आपको दो बात पता चल गई कि अगर मैं आपको अभी यहां पर ड्रग दे दूं तो आपको ड्रग का जो कंसंट्रेशन है या सॉल्यूशन है वो 25 माइक्रोग्राम पर ml के नीचे तक का बनाना है, तभी आप इस मेथड का यूज करके ड्रग की कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट अगर आपके पास ड्रग आ गई और अगर आप 25 से ऊपर, मतलब इस रेंज के ऊपर अगर जाके अगर आप कोई डाइल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं और उसका फिर आप HPLC लगाते हैं तो वहां पर आपकी ड्रग फेल हो जाएगी, क्योंकि वहां पर ये मेथड लीनियरिटी शो नहीं करती है। तो देखिए हमने जो तीन मेथड बनाई है तो तीन मेथड में अलग अलग रेंज भी निकल सकती है, ठीक है। यहां पर ये जो फर्स्ट मेथड थी उसकी रेंज तो निकली 1 से 25 तक, हो सकता है जब मैं दूसरी मेथड को भी इस टाइप से चेक करूं, उसकी लीनियरिटी निकालूं और फिर उसकी रेंज करूं, तो हो सकता है कि उसकी रेंज जो हो वो 1 से 10 निकल जाए, हो सकता है दूसरे की। तीसरे की निकालूं तो हो सकता है कि उसकी रेंज 10 से 50 निकल जाए, ठीक है, रेंज हो सकती है। वो यही चीज आपको चेक करनी है बेसिकली इन लीनियरिटी और रेंज के अंदर, कि आपकी मेथड जो होगी वो उसकी रेंज क्या है और उस पर्टिकुलर रेंज में वो लीनियर है कि नहीं है। ये आप ये कह सकते हैं लीनियरिटी के फॉर्म, पहले तो आपको लीनियरिटी पता करनी पड़ेगी और लीनियरिटी के वे में ही आपको पता चलेगा कि आपकी मेथड की रेंज कितनी है। पहले आपको लीनियरिटी निकालनी है और लीनियरिटी के वे में ही आपको पता चलेगा कि आपकी मेथड की रेंज कितनी है। तो देखिए सबसे अच्छी मेथड वही होगी जिसकी रेंज ज्यादा से ज्यादा हो, जिसमें आप जितनी ज्यादा उसकी बड़ी रेंज होगी वहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ की ड्रग को आप उस मेथड के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हो। बेसिकली ये जो मेथड है केवल एक ही ड्रग के लिए है, बट आपको पता है कि मार्केट के अंदर एक ड्रग के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशन अवेलेबल होते हैं। 100 mg की ड्रग भी मिलती है, 500 mg की भी मिलती है, 50 mg की मिलती है। तो हमारे पास एक ऐसी मेथड होनी चाहिए जिसमें हम 100 mg की ड्रग का भी ऐसे लगा सकें, 500 mg का भी ऐसे लगा सकें और 5 mg की जो टेबलेट मिल रही है उसका भी ऐसे लगा सकें। तो सीधी सी बात है हमारी जो मेथड है उसकी रेंज जो होनी चाहिए वो थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जिससे हम इजिली हर स्ट्रेंथ की ड्रग का डिटरमाइन कर सकें। इसीलिए रेंज किसी भी ड्रग की रेंज निकालने के लिए लीनियरिटी एक तो पॉइंट है, लीनियरिटी और रेंज इन दोनों का यूज किया जाता है, जिससे हमको उस ड्रग की रेंज पता चल जाती है कि किस पर्टिकुलर रेंज पर वो ड्रग स्टेबल बनी हुई है और उसका जो रिजल्ट है वो लीनियर आता जा रहा है। जैसे कि ये लीनियर आ रहा है, मतलब 5 से 25 माइक्रोग्राम पर ml तक आपकी जो ये मेथड है, जो फर्स्ट मेथड है वो स्टेबल बनी हुई होती है और यहां पर आपको लीनियर ग्राफ मिलता है। बट जैसे ही हम 25 के ऊपर निकल जाते हैं हमारी जो मेथड होती है वो नॉन लीनियर हो जाती है और वहां पर ग्राफ, यहां पर आपको प्रॉपर ग्राफ नहीं मिलता है। इससे हमको ये बात पता चलती है कि हमारी जो मेथड है वो 5 से 25 1 ml से लेकर 25 ml तक ही सही रिजल्ट देगी, और उसके बाद अगर 25 के ऊपर अगर आप कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाते हैं तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ पैरामीटर की, तो बने रहिए हमारे साथ। तो जैसे कि आपने पार्ट 3 के अंदर देखा जिसमें हमने बात करी स्पेसिफिसिटी, लीनियरिटी और रेंज के बारे में कि ये कैसे हमारे मेथड को अफेक्ट करती है और साथ ही साथ ये हमारे मेथड के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अब हम पार्ट 4 में बात करेंगे अगले पॉइंट्स के बारे में जो कि है एक्यूरेसी और प्रिसीशन। तो एक्यूरेसी प्रिसीशन हमारी मेथड के लिए क्यों जरूरी है और ये किस तरीके से हमारी मेथड को अफेक्ट करते हैं, तो चलिए पार्ट 4 में हम बात करेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीशन के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पर ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई PhD वर्क से जुड़े हुए हैं या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं
जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।